नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिमेंटोलॉजी पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है VRM यानी कि वर्टिकल रोलर मिल। दोस्तों वर्टिकल रोलर मिल सीमेंट प्लांट में यूज किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। वर्टिकल रोलर मिल को हम सीमेंट प्लांट में इस्तेमाल करते हैं लाइमस्टोन को ग्राइंड करने के लिए, कोल ग्राइंडिंग के लिए और क्लिंकर ग्राइंडिंग के लिए भी। तो दोस्तों ये इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम जानेंगे मिल के कंपोनेंट्स के बारे में, हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से काम करता है, एंड इट्स डिजाइन फीचर्स। चलिए दोस्तों देखते हैं मिल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक पहला है मिल का बॉडी, दूसरा है ग्राइंडिंग रोलर्स, तीसरा है ग्राइंडिंग टेबल, चौथा है इनलेट सूट, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पांचवा जो है इसका आउटलेट डक्ट, छठा है ग्रिड कोन और इसे रिजेक्ट कोन भी कहते हैं बहुत जगह, और सातवा है क्लासिफायर और रोटर केज। वही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पिक्चर में थोड़ा क्लियर है कि ग्राइंडिंग टेबल कैसा होता है, केज रोटर केज कैसा होता है जिसको कि हम क्लासिफायर कहते हैं, और उसकी पोजिशन कौन सी होती है, वो कहाँ लगा होता है, ग्राइंडिंग रोलर कैसा होता है, आउटलेट डक्ट, रिजेक्ट कोन, और इसके सबसे टॉप पे हम देख पा रहे हैं क्लासिफायर का मोटर वो कैसे कनेक्ट होता है। दोस्तों इन सब चीज़ों को हम एक वीडियो में भी देखेंगे, तो आइए देखते हैं कि कैसे ये पार्ट मिल के अंदर लगे होते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि मिल के कंपोनेंट्स इनका क्या फंक्शन है और ये किस तरह से कार्य करते हैं। पहला जैसा कि आपने देखा था मिल का इनलेट सूट, रोटरी एयर लॉक के थ्रू जो भी मटेरियल आता है कंटिन्यूस फ्लो में वो पहले इनलेट सूट के थ्रू ही मिल के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा होता है ग्राइंडिंग टेबल। दोस्तों बहुत जगह पर ग्राइंडिंग टेबल को ग्राइंडिंग बाउल भी कहते हैं। ग्राइंडिंग टेबल जो है मिल गियर बॉक्स के आउटपुट फ्लांज पे टाइट किया रहता है, और इसी के ऊपर हमारे तीन ग्राइंडिंग रोलर्स रेस्ट करते हैं। और जब भी मटेरियल रोलर और ग्राइंडिंग टेबल के बीच में आता है तब फिर वो ग्राइंड होता है। दोस्तों हम याद रखें कि मिल में टेबल जो है वो रोटेटिंग पार्ट होता है और रोलर्स स्टेशनरी पार्ट होते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ग्राइंडिंग रोलर्स। दोस्तों मिल के अंदर तीन ग्राइंडिंग रोलर्स लगे होते हैं। जो कि इक्वली डिस्टेंस पे रहते हैं, और ये तीनों ग्राइंडिंग रोलर रेस्ट करते हैं ग्राइंडिंग टेबल के ऊपर, और ये तीनों ग्राइंडिंग रोलर जो हैं दोस्तों प्रेशर योग के सहारे प्रेशर फ्रेम से बंधे होते हैं। इन तीनों ग्राइंडिंग रोलर में दो स्पेशल टाइप के रोलर बेयरिंग लगे होते हैं जो कि इनको रोटेट करने में और मूव करने में काफ़ी हेल्प करती है, और यह इसको और मिल के अंदर जो अब हम मेंटेनेंस करते हैं तो इसके लुब्रिकेशन पे हम खास तौर पे ध्यान भी देते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा कंपोनेंट है मिल का वो है क्लासीफायर। क्लासीफायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है मिल का, जो कि हमारे मिल का प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या हो वो हम क्लासीफायर पे ही डिपेंड करता है। दोस्तों जब मिल में ग्राइंडिंग हो जाता है और जब हॉट एयर के सहारे ये फाइन पार्टिकल ऊपर जाते हैं और ये क्लासीफायर वेन से टकराते हैं, तो जो उसमें फाइन पार्टिकल होता है वो तो हमारा चला जाता है आउटलेट डिस्चार्ज में जाकर के कलेक्ट हो जाता है, लेकिन जो इसमें कोर्स मटेरियल होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड फाइनेंस को मैच नहीं कर पाया, जो क्लासिफायर के वेन से टकरा करके वो वापस ग्राइंडिंग टेबल पे आ जाते हैं, वो वापस से फिर वहीं पे ग्राइंड होंगे और फिर वही सेम प्रोसेस फिर होगा, वो हॉट एयर के साथ क्लासिफायर में जाएंगे, वहाँ पे उनके वेन से टकराएंगे, अगर वो फाइनेंस कंप्लीट पक्का है उसका तो वो आउटलेट में चला जाएगा, या फिर वो अभी भी रिक्वायर्ड थिकनेस के बराबर नहीं हुआ तो वापस से टेबल पे आ जाएगा। अगला कंपोनेंट आता है दोस्तों नोजल रिंग। नोजल रिंग दोस्तों ग्राइंडिंग टेबल और मिल हाउसिंग के बीच में लगा होता है। इनलेट चैम्बर से जब हॉट एयर गैसेज आता है
तो वो नोजल रिंग के सहारे ही मिल के अंदर आ पाता है। मटेरियल जो भी ग्राइंड होता है रोलर और टेबल के बीच में, वो आफ्टर कॉम्पैक्ट हो जाने के बाद वो नोजल रिंग के तरफ ही सेंट्रीफ्यूग, जैसा कि आप जानते हैं मिल के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही अप्लाई करता है, तो जो भी मटेरियल होता है वो आउटर पेरिफेरी में जाने की कोशिश करती है। तो जो हॉट एयर के सहारे है और जो मटेरियल फाइन हो जाता है तो वो हॉट एयर ही कैरी करता है, नोजल रिंग के थ्रू आया हुआ हॉट एयर ही कैरी करता है उसको क्लासिफायर तक। दोस्तों, और अगला कंपोनेंट आता है आर्मर रिंग। बहुत जगहों पे इसे गाइड कोन भी कहते हैं। इसका इंक्लिनेशन जो है दोस्तों, जो मटेरियल टेबल पे आता है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और सातवां जो सबसे इम्पोर्टेंट है मिल के अंदर, वो होता है डैम रिंग। डैम रिंग को हम मिल के अंदर लगाते हैं, मिल का टेबल जो है उसके थिकनेस, बेड थिकनेस को मेंटेन करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। दोस्तों, अगर मिल का बेड का थिकनेस ज़्यादा है तो मिल करंट ज़्यादा लेगा, मिल का डीपी भी बढ़ सकता है। और अगर डैमरिंग एकदम ही कम हो गया है तो मिल में उसका जो ग्राइंडिंग टेबल है उसका बेड बनेगा ही नहीं और बार बार वाइब्रेशन आएगा और मिल के अदर पार्ट्स पे वियर बढ़ जाएगा। तो हमें हमेशा अनुभव के अनुसार इसको ऑप्टिमम करके ही रखना पड़ता है। दोस्तों, इन जो अभी मैंने आपको इनके कंपोनेंट के बारे में बताया और इनके वर्किंग के बारे में बताया, वो सब हम अभी एक वीडियो के द्वारा भी देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कि वर्टिकल रोलर मिल कैसे काम करता है। दोस्तों, मिल के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कंटिन्यूअस और कांस्टेंट फ्लो जो है रोटरी लॉक के थ्रू बना रहता है। दोस्तों, मैंने बोला कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस, मतलब कि मिल अगर हम एक बार स्टार्ट करते हैं तो मिल के अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है वो कंटिन्यूअस और कांस्टेंट फ्लो में ही आना चाहिए। अगर फ्लो में वेरिएशन आया तो फिर मिल का बेड बनने में दिक्कत आएगा। ये सारे मटेरियल सबसे पहले टेबल पे आते हैं, टेबल पे जैसे ही गिरा तो टेबल हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है और रोलर हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है। तो जैसे ही टेबल रोटेट होता है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा और जो मटेरियल है इसकी टेंडेंसी है कि टेबल के आउटर पेरिफेरी की तरफ बढ़े। तो जैसे ही मटेरियल रोटेटिंग टेबल और रोलर के बीच में आता है तो मटेरियल जो है ग्राइंड होना स्टार्ट हो जाता है। मटेरियल ग्राइंडिंग करते हैं, करते समय हम रोलर के ऊपर ग्राइंडिंग प्रेशर अप्लाई करते हैं। ग्राइंडिंग प्रेशर को हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर के थ्रू, जो कि हमारे रोलर जहां पे होल्ड रहते हैं। जब ये मटेरियल एक बार ग्राइंड हो जाता है तो फिर ये हॉट एयर गैसेस के थ्रू जो कि नोजल रिंग से आ रहा है वो उनको हॉट एयर गैसेस उनको कैरी आउट करते हैं क्लासीफायर के पास। और जब ये क्लासीफायर के पास जाते हैं तो फिर दोस्तों वही होता है, उनको क्रॉस करना पड़ता है पहले स्टैटिक वेंस के थ्रू फिर डायनेमिक वेंस के थ्रू। जब ये उन वेंस से टकराते हैं तो जो हमारा रिक्वायर्ड फाइनेंस का मटेरियल होता है वो तो सीधा चला जाता है आउटलेट में, लेकिन जो कोर्स पार्टिकल होते हैं और सीधी और सरल भाषा में बोले तो जो मोटे पार्टिकल होते हैं वो वहीं पर छन्नी का काम करती है, जो फाइन पार्टिकल ऊपर चला गया और जो मोटा पार्टिकल है वो सीधा टेबल पे आ गया। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि हमें रिक्वायर्ड फाइनेंस का मटेरियल ना मिल जाए। मिल के अंदर दोस्तों वीआरएम में तीन ही काम होते हैं, ड्राई, ग्राइंड, क्लासीफाई। ड्राई करता है हमारा मिल के इनलेट से आने वाला हॉट एयर गैसेस जो कि नोजल के थ्रू अंदर जाती है, वो मटेरियल को ड्राई करेगा। जितना ज़्यादा मटेरियल ड्राई रहेगा ग्राइंडेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा होता है ग्राइंडिंग, रोलर पे हम ग्राइंडिंग प्रेशर अप्लाई करके मटेरियल को ग्राइंड करते हैं। और तीसरा होता है क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब ही यहाँ पे पता रहा कि मटेरियल को हम क्लासीफाई करते हैं फाइन और कोर्स में। फाइन हमारा चला जाता है प्रोडक्ट में और जो कोर्स है वापस टेबल पर आ जाता है। दोस्तों, मिल के अंदर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ग्राइंडिंग प्रेशर। ग्राइंडिंग प्रेशर ही एक ऐसा की फैक्टर है जो कि मिल के प्रोडक्ट को
कंट्रोल करता है। ग्राइंडिंग प्रेशर को हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं उसके उसमें जो हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे रहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू हम ग्राइंडिंग प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि ग्राइंडिंग प्रेशर जितना ज़्यादा होगा मिल की ग्राइंडेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन जो भी मिल को चलाते हैं उनको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जब एक ऑप्टिमम क्रिटिकल स्पीड पे आ गया हमारा ग्राइंडिंग प्रेशर, तो उस सर्टेन लिमिट के बाद मिल का ग्राइंडेबिलिटी जो है बढ़ेगा नहीं बल्कि वापस घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिल की ग्राइंडिंग प्रेशर को हम ज़्यादा बढ़ा के भी नहीं रख सकते हैं, और अगर मिल का ग्राइंडिंग प्रेशर अगर हम कम रखेंगे तो उसका तो भी हमें नुकसान होगा। अगर ग्राइंडिंग प्रेशर हम कम रखते हैं तो मिल की ग्राइंडेबिलिटी कम होगी, यानी कि मिल का जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा नहीं होगा। मिल के बेड का थिकनेस बढ़ जाएगा, बेड का थिकनेस बढ़ेगा तो मिल का डीपी बढ़ जाएगा, मिल का डीपी बढ़ेगा और मिल का लोड भी बढ़ जाएगा, मिल पावर ज़्यादा लेगी और अल्टीमेटली वाइब्रेशन से मिल हमारा बंद हो जाएगा। ठीक वही चीज़ अगर हम मिल का ग्राइंडिंग प्रेशर ज़्यादा रखते हैं तो भी हमें क्या दिक्कत होगा कि मिल की जितने भी वियर पार्ट्स हैं उनका वियर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हमें अपने अनुभव के अनुसार जो CCR ऑपरेटर होते हैं इसको एक ऑप्टिमम प्रेशर पर ही सेट करके चलाते हैं, ना अधिक ज़्यादा ना ज़्यादा कम, उसको ऑप्टिमम पे रखिए जिससे कि हमारी ग्राइंडेबिलिटी मिल की बढ़ी रहे और वियर एंड टीयर भी कम होता रहे। ग्राइंडिंग प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिल का जो टेबल है वो रोटेटिंग पार्ट होता है और रोलर जो है वो हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है। जो भी मटेरियल मिल के टेबल पे जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के कारण मटेरियल आउटर पेरिफेरी पे जाने की कोशिश करती है और वही रोलर को भी पीछे पुश करती है और धक्का देती है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ग्राइंडिंग फोर्स उस पर लगता है तो रोलर जो है हमारा 15 डिग्री पे आ जाता है और उसी 15 डिग्री पे ही रोलर हमारे मटेरियल को ग्राइंड करता है। और इसमें लगने वाला जो फोर्स होता है जब मटेरियल टेबल और रोलर के बीच में आता है तो उस पर सबसे पहले जो लगता है वो कंप्रेसिव और इम्पैक्ट फोर्स लगता है, जो कि हम हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू ही देते हैं। जब ग्राइंडिंग प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो उस पर कंप्रेसिव और इम्पैक्ट फोर्स लगता है, और दूसरा फोर्स जो इस पर लगता है वो इसमें शियर फोर्स लगता है जो मटेरियल को एकदम ही फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। बोले हमारा मिल बहुत ही अच्छा काम करे और क्लासिफाई इफिशेंट नहीं है तो हमारा मिल का परफॉर्मेंस ना के बराबर है। कितना भी TPA दे दे वो प्रोडक्ट हमारे मिल के किसी काम का नहीं है अगर उसके फाइनेंस हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जो माइक्रोन्स का मटेरियल हमें चाहिए और मिल हमें उस माइक्रोन का मटेरियल नहीं दे पा रहा है तो फिर मिल का TPS भी डाउन हो जाएगा और मिल की इफिशेंसी भी कम हो जाएगी। क्लासिफायर को है जो है दोस्तों हम वो वेरिएबल स्पीड का होता है और हमें जिस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, जिस फाइनेंस का मटेरियल चाहिए, क्लासिफायर का स्पीड हम उतना कम और ज़्यादा रख करके उस क्वालिटी का मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे थे कि जो भी मटेरियल होता है ग्राइंडिंग के बाद वो स्क्वीज रोलर और टेबल के बीच में ग्राइंड होने के बाद स्क्वीज आउट होने के बाद होता है और वो नोज़ल की तरफ जा आउटर पेरिफेरी यानी कि नोज़ल रिंग की तरफ जाता है। नोज़ल रिंग से ही हमारा हॉट एयर गैसेज आता है, तो जो भी हॉट एयर गैसेज आते हैं वो फाइन मटेरियल को कैरी करके क्लासिफायर के पास ले जाता है और क्लासिफायर के पास आने के बाद क्या होता है, हमारा जो डायनेमिक वेंस है बहुत ही तेज़ी से घूमता है तो वहीं पर हमारा फाइन और कोर्स मटेरियल सेपरेट करता है। जो हमारा रिक्वायर्ड फाइनेंस का मटेरियल होता है वो वहाँ से छन के आउटलेट में हमारे प्रोडक्ट में चला जाता है, कलेक्ट हो जाता है, लेकिन जो भारी पार्टिकल होते हैं जो कि अभी भी उसमें ग्राइंडिंग की आवश्यकता है वो वापस से ग्रिट कोन के थ्रू टेबल पे ही आकर के गिर जाता है और फिर से वो प्रोसेस चालू रहता है, फिर से वो ग्राइंड होगा, फिर हॉट एयर के थ्रू क्लासिफायर के पास जाएगा और फिर वहाँ पे मटेरियल क्लासिफाई होगा फाइन और कोर्स में, फाइन ऊपर चला जाएगा और कोर्स जो है एजेक्ट नीचे गए, ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। तो क्लासिफायर का मेंटेनेंस और क्लासिफायर की देखरेख बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है मिल के अंदर। तो वर्टिकल रोलर मिल जो आप आज वीडियो में जाने हैं
उसका प्रोसेस, ग्राइंडिंग प्रोसेस, लगभग सब कुछ इन चारों मिलों में सेम ही होते हैं। थोड़ा बहुत होता है तो वो इनके डिज़ाइन का फर्क होता है, ऑपरेशन में थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन जो आपको ओवरव्यू आज के इस वीडियो में मिला है वो आपको इन चारों मिल में काम आए। दोस्तों, जैसा अभी तक हमने देखा और जाना कि किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट मिल के अंदर लगा होता है, तो अब हम चलते हैं मिल के अंदर और देखते हैं कैसे ये VRM काम करता है। दोस्तों, ये है कोल का इनलेट जो कि मिल बॉडी से अटैच होता है। जो भी रॉ मटेरियल है वो एक कॉन्टिन्यूस और कांस्टेंट फ्लो में मिल के अंदर आता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्टिन्यूस और कांस्टेंट फ्लो क्यों होता है, ताकि मिल के अंदर जो है फीड वेरिएशन ना हो और टेबल खाली ना हो, बेड हमारा कंप्लीट बना रहे। दोस्तों, ये जो भी मटेरियल आ रहा है मिल के अंदर, ये सीधा का सीधा टेबल पे जा रहा है। और आपको पता होगा कि टेबल हमारा रोटेटिंग पार्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और जो रोलर है वो स्टेशनरी पार्ट है। तो उसके कारण क्या होता है, आप देख रहे हैं इस टेबल पे किस तरह से मटेरियल पड़ा हुआ है। जैसे ही टेबल हमारा रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या है कि मटेरियल की टेंडेंसी होगी ये आउटर पेरिफेरी की तरफ जाए। और जैसे ही मटेरियल रोलर और टेबल के अंदर आता है तो क्या होता है, मिल की ग्राइंडिंग स्टार्ट हो जाती है। ग्राइंडिंग के लिए हम इस पर अप्लाई करते हैं कि आपको मैंने बताया था ग्राइंडिंग प्रेशर, ग्राइंडिंग प्रेशर को हम ऑप्टिमाइज करके ही इस पर अप्लाई करते हैं, ताकि वो ज़्यादा भी ना रहे और कम भी ना रहे। आप देख रहे हैं कैसे मटेरियल रोलर के अंदर आ रहा है और ग्राइंड हो रहा है, ये देखिए। ये आप दोस्तों, आप कलर को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, कलर्स को सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए रखा। ये मटेरियल ग्राइंड होता है तो ये टेबल से आउटर पेरिफेरी की तरफ जाता है, और ये जो हमारा अभी आपको हम दिखा रहे हैं इस पोर्शन को हम कहते हैं डैम रिंग, बहुत जगहों पे इसे रिटेंशन रिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, डैम रिंग का जो फंक्शन आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि डैम रिंग का फंक्शन क्या होता है, कि मिल के अंदर बेड को बनाए रखने का। जो भी फाइन पार्टिकल होता है वो डैम रिंग को क्रॉस करके इस नोजल रिंग वाले एरिया पे आता है। नोजल रिंग से ही हमारा हॉट एयर जो है मिल के अंदर प्रवेश करता है। तो जो भी फाइन पार्टिकल है वो हमारा हॉट गेयर गैस चैम्बर के ऊपर जो नोजल रिंग लगे हुए हैं यहाँ पे आते हैं, और जो हॉट एयर के थ्रू हाई वेलोसिटी वाले हॉट एयर होते हैं इनके थ्रू ये क्लासिफायर के तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हॉट एयर गैसेस के थ्रू मटेरियल क्लासिफायर के तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे जो भी फाइन पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं वो दो जगह से फिल्टर होती है, पहला तो हमारा स्टैटिक वेन से क्रॉस करेगी वो, फिर उसके बाद जो है हमारा ये सेपरेटर जो कि डायनेमिक वेन से उसके पास जाएगी यहाँ पे। और क्लासिफायर का आपने तो वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है वो तो आप समझ ही रखे हैं, इसका मेन क्लासीफाई होता है। दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं क्लासीफायर की स्पीड, ये तो बस दिखाने के लिए गया, बाकी इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि फाइन और कोर्स मटेरियल अलग हो जाते हैं। जो भी फाइन मटेरियल होता है वो इसको पास कर जाता है, और जो भी हमारा कोर्स मटेरियल होता है वो इससे टकरा करके वापस से ग्रिड कोन के सहारे नीचे चला जाता है, और जो फाइन पार्टिकल है वो आउटलेट के थ्रू ऊपर चला जाता है आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और मुझे अप्रिसिएट करेगा और बूस्ट करेगा कि आगे की वीडियो भी मैं बनाता रहूं।